प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरह कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2200 के पार हो गई, वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 669 हो गई है। इसमें से 313 मरीजों को अस्पताल से घर भी भेज दिया गया, लेकिन अब कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क है और 14 अप्रैल तक राजस्थान में जिस गति से संक्रमण फैल रहा था उसी गति से होता तो अब तक दोगुने मरीज सामने होते, लेकिन अब ठीक होने वालों की संख्या में भी तेजी आने लगी है। ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, उसी का परिणाम है कि 14 तारीख तक जिस गति से संक्रमण प्रदेश में फैल रहा था अगर वही गति से अब तक चलता, आज 27 तारीख है, तो ये कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या लगभग 4000 हो जाती। ये हमारे एफर्ट्स की वजह से ग्राफ डाउन हुआ है। उसमें भी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट बात यह है कि हमने 669 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और 313 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। अब इसमें इवेक्यूज भी है जो ईरान से एयरलिफ्ट करके लाए थे, 61 लोग वो भी हैं, 2 इटालियन भी हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है उसका कारण है कि दो मार्च को जब पहला केस आया था तब यहाँ हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं, हमने पूना भेजा स्वाब को टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा यही टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए और आज हम 5584 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमारी बड़ी है और आने वाले 4-5 दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे राजस्थान करने लगेगा। हमारी आरटीपीसीआर मशीनें 4 जगह चली गई है, 2 जगह पे एग्जिस्टिंग जो संख्या थी उदयपुर और अजमेर में उससे ज़्यादा आरटीपीसीआर मशीनें और भेजी है ताकि वहाँ जाँचें ज़्यादा हो। कोबोस मशीनें जोधपुर और जयपुर के लिए हमने कोबोस 8800 ये मशीनें प्रिक्योरमेंट के लिए लिखा है। इनसे दोनों तरह के आरएनए एक्सट्रैक्शन और आरटीपीसीआर टेस्ट दोनों हो सकेंगे और 3000 से 4000 टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी इन मशीनों से बढ़ जाएगी। आईसीएमआर ने परमिट किया है, वहाँ 250 टेस्ट कर पाएंगे, अभी 1000 की वहाँ भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे। भीलवाड़ा को आईसीएमआर ने कल ही परमिट किया है, तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। और राजस्थान में जो टारगेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है हर जिले में आने वाले समय में हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में इतना सुदृढ़ हो जाए, सब सेंटर से लेके पीएससी सीएससी एसडीएच और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में इक्विपमेंट की कमी नहीं रहे, हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा वहाँ मौजूद हो, पैथोलॉजी की लेबोरेटरीज वहाँ इतनी मजबूत हो कि जो हम निःशुल्क जाँच योजना हमारी चल रही है प्रदेश के अंदर उस जांच योजना के अंतर्गत सारे टेस्ट वहीं पे हो जाए। तो इस तरह से राजस्थान ने जो एक माइलस्टोन कायम किया है इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है और हम आगे निरंतर करते रहे।